ये क्या है बहन जी? रुद्राक्ष के फल है भैया। रुद्राक्ष के फल है, तो कितने मुखी निकलेगा कुछ इसमें? 2, 3, 4, 5 कोई सा भी निकल सकता है। कोई सा भी निकल सकता है, किस्मत की बात है। मतलब अच्छा, पेड़ पे आता है ना ये? पेड़ होता है, नेपाल से आता है। नेपाल से आता है? हाँ। ये अपने इंडिया का नहीं है? नहीं नहीं, इंडिया का नहीं, नेपाल का है। तो रुद्राक्ष नेपाल में ही होते हैं? नेपाल में होता है और अपने देहरादून में होते हैं, लेकिन देहरादून का फल नहीं है ये, नेपाल का। ये नेपाल का। रुद्राक्ष भोलेनाथ के आंसू होते हैं, जो भोलेनाथ के आंसू टपके थे ना, उससे रुद्राक्ष बना था। भोलेनाथ के आंसू टपके थे, जब टपके थे ना, रुद्र उतार लिया था उन्होंने, उनके जो आंसू गिरे थे ना, तो उनसे रुद्राक्ष बना था। उससे रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष है इसके अंदर? हाँ जी रुद्राक्ष। कौन सा मुखी निकलता है? 2 से 14 मुखी, कोई सा भी। 30 का एक है, 50 के दो है। एक आपका, एक आपका और एक मेरा, ठीक है? दो ले लेते हैं, अभी देखते हैं कैसा निकलता है। अभी आप इसको घिसेंगे, घिस के पता चल जाएगा कितने मुखी हैं। देखें, 5 मुखी है। 5 मुखी बजरंग। कैसे पता कैसे करते हैं? इसमें जितनी लाइन है, सिंपल है, जितनी लाइन है ना, उतना मुख कहलाता है। 1, 2, 4, 6, 8 ले। 5 इधर बताइए। 5 मुखी एक है, ये 2। अच्छा, 3, 4, 5 कितना करते हैं? 5 मुखी। 5 मुखी 30 का एक सर में जाते हैं। देखो भैया, ये आप भी देखिए, अभी देखना इसको। सरसों के तेल में डाल दीजिएगा, डार्क कलर हो जाएगा। अच्छा, सरसों के तेल में डाल के? हाँ, सरसों के तेल में या गाय के घी में, किसी में भी डाल सकते हो। अच्छा, कौन सा होता है ज्यादा मुखी वाला या कम मुखी वाला? कम मुखी वाला अच्छा होता है, एक मुखी सबसे अच्छा है। एक मुखी तो जो कम निकलेगा ना, जो कम मुखी का होगा वो मेरा होगा, और ज्यादा होगा वो आपका होगा। ये भी 5 का है, तो टाई हो गया। अब क्या करें? सब 5 के निकलते हैं। नहीं, इसमें 4 भी है, 6 भी है। एक मुखी भी निकलता है कोई? एक मुखी नहीं निकलता ही नहीं। एक मुखी का महंगा मिलता है सर, 1500 का रहता है। 1500 नहीं मिलता, निकलता तो उसमें भी होगा। एक मुखी का सेफ ही अलग रहता है, काजू का। किसका एक है, 50 के दो है। मेरा मानना तो रुद्राक्ष है, असली रुद्राक्ष चीज है, एकदम बनावटी नहीं है ये, लकड़ी का है। रुद्राक्ष असली है ना, बस इतना काफी है। 5 मुखी हो या 1 मुखी हो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, जो भी मान्यता रही है। खाने का लीजिए सर।